पूर्व बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर का चौंकाने वाला बयान, अरविंद कुमार शर्मा हो सकते हैं यूपी के अगले मुख्यमंत्री। वाराणसी के चुनावी रण में प्रियंका गांधी वाड्रा के सहारे कांग्रेस, जनता के बीच भाजपा सरकार की खोलेंगे पोल। 3 साल से मेरठ में चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर, लग्जरी गाड़ी के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार। इसी महीने आ जाएगा तीसरी लहर का पीक, हर रोज आएंगे 4 से 8 लाख मामले, IIT कानपुर के प्रोफेसर का बड़ा दावा। तेज प्रताप यादव ने विभा देवी को नियुक्त किया विधायक, प्रतिनिधि कुख्यात अशोक यादव की है पत्नी। सुरेश राणा ने चलाए OBC पर जुबानी तीर, कहा भाषा को करें नियंत्रित वरना जल्द करूंगा डॉक्टर की व्यवस्था। बजाज हिंदुस्तान की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 1000 करोड़ देगा ऊर्जा विभाग। यूपी चुनाव 2022 में डिप्टी CM केशव बोले, बुआ भतीजे फिर एक हो जाए तो भी अखिलेश की खुशियों का खाता नहीं खुलेगा। पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर साक्षी महाराज ने दिया बड़ा बयान। बरेली में मौलाना तौकीर रजा बोले, राम का युद्ध हुआ था रावण से, कृष्ण का कंस से, हिंदू समाज बताए कब थी हमारी लड़ाई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।